कि तुम अपनी करंट गर्ल का गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हो एक दूसरे लड़के को पोक करने के लिए, जो तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड उसकी एक्स थी। मैं जीत तो ये देखना चाहती तो मुनव्वर / अभिषेक को हूँ। आप किसका तमाशा बना रहे हो, अभिषेक का या खुद का? आप किसको नीचा गिरा रहे हो, अभिषेक को या खुद को? आप किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अभिषेक को या एक दूसरे को? आप लोगों ने कहा है कि इट हैज़ बीन अ स्ट्रैटेजी ऑफ यू नो बी इट प्रेगनेंसी, बी इट सुशांत सिंह, बी इट फाइट बिटवीन हस्बैंड वाइफ, तो आई रियली होप कि ये सच ना हो कि एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। हैप्पी फॉर अभिषेक, एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी फॉर अभिषेक। ऑनेस्टली मैं बहुत ऐसे नहीं, मैं कोई अंदर दुखी थी ना, मैं अंदर दुखी थी ना मुझे बाहर आने का ऐसा ये हो रहा था, बट आई एम हैप्पी टू कम आउट और अपने बेटे से मिलकर, अपने मॉम से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत रिलैक्स हूँ मैं। सो सॉरी, यहाँ देखना है तो हाँ, बिग बॉस में आदत ही ना कैमरा में नहीं देखना है तो एनीवेज हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बाहर आके अपने परिवार वालों से मिलकर। यस यस, यू नो ऑनेस्टली ये बात मैंने कई मेरे निकलने के आई थिंक दो हफ्ते पहले या कभी बोल दी थी या उसके पहले ही कि यार समर्थ और ईशा तुम कर क्या रहे हो, तुम जिस इंसान को पोक कर रहे हो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए ये क्यों भूल रहे हो कि वो तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड है और वो तुम ही हो, तो तुम अपने आप को ही उछाल रहे हो, यू नो। तो उस पर समर्थ ने कहा अच्छा आप ईशा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैंने कहा इम्प्रेस, मैंने कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कि तुम अपनी करंट गर्ल का गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हो एक दूसरे लड़के को पोक करने के लिए, जो तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड उसकी एक्स थी, तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर गर्लफ्रेंड एंड ईशा इज अलाउइंग दैट डिसरिस्पेक्ट। आप अभिषेक के सामने उसकी कमर में हाथ डाल रहे हो, उसे यहाँ किस कर रहे हो एंड देन आप उस लड़के को बोल रहे हो जली ना जली, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग गाइस? आप किसका तमाशा बना रहे हो, अभिषेक का या खुद का? आप किसको नीचा गिरा रहे हो, अभिषेक को या खुद को? आप किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अभिषेक को या एक दूसरे को? आप क्या रिस्पेक्ट रख रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड की, वो लड़की क्या रिस्पेक्ट रख रही है? और ये बात मैंने एक नहीं कम से कम दो तीन बार बोली, बट आई थिंक गेम में हर हफ्ते रहने का, जीतना तो दूर की बात है, बट हाँ हर हफ्ते आगे बढ़ने के लिए वो जो जुनून है ना वो पागलपन में बदल गया, क्योंकि ना उन्हें सही समझ में आ रहा है ना उन्हें गलत समझ में आ रहा है। एक्चुअली इमेजिन सबने उनको प्यार किया, सबने उन्हें इतना पसंद किया, उनके कॉमिक एलिमेंट में सबको घर में ऐसे लगता था अरे यार चिंटू है ना मजा आता है, यू नो एंड आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड दैट बॉय एंड ही इज जस्ट गॉन बैक टू वर्स इज ऑल आई विल से। अंकिता के बीच में यार अब मैं अंदर जो थी, देखो मैं ना बहुत सिंपल हूँ, मैं फेस वैल्यू पे आपको लेती हूँ, आप जो मुझे बोल रहे हैं ना मुझे लगता है यही आपका सच है। भैया इतनी माइंड गेम्स मुझे खेलनी होती तो अब मैं उन लोगों के बीच में होती, सबसे बड़ी बात। तो फेस वैल्यू पे जो मुझे मिल रहा है मिल रहा है, बट बाहर आके जैसे आप लोगों से मैं मिली हूँ, इतने सारे मीडिया के लोगों से मिली हूँ, यार आप लोगों ने कोई पहली बार बिग बॉस या बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को कवर नहीं किया, आप इतने सालों से ये सब कर रहे हो, इतनी पर्सनैलिटीज से आप मिलते हो, यू नो इट्स अ माइंड रीडिंग गेम इवन फॉर द मीडिया पीपल, सो इन द सेंस यू नो द वे थिंग्स हैव गॉन एंड यू नो द वे आप लोगों ने कहा है कि इट हैज़ बीन अ स्ट्रैटेजी ऑफ यू नो बी इट प्रेगनेंसी, बी इट सुशांत सिंह, बी इट फाइट बिटवीन हस्बैंड वाइफ, तो आई रियली होप कि ये सच ना हो कि एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड अगर ये स्ट्रैटेजी है तो अगेन व्हाट कैन आई से, टू बी इन द गेम इट्स स्टूपिंग टू लो एंड और अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं है और ये रियलिटी है कि भाई ऐसा उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो इन दैट सेंस आई डोंट नो इट्स टू बैड।
एग्जैक्टली 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 देखिए हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस होते हैं, कोई मतलब ओ माय गॉड वाली बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल. यू नो हर रिश्ते में एक कहीं क्लैश होता है, एक समझ में एक डिसएग्रीमेंट होती है, इट्स प्रीटी नॉर्मल. जो एक्चुअली ऐश्वर्या और नील में हुआ, हाँ ऑफकोर्स पर्सनैलिटी सारी अलग है, ऐश्वर्या का एक रिएक्शन था, बट ऑफकोर्स जैसे ही उसे बोला गया उसने उस चीज़ पर डेफिनेटली कंट्रोल आया. शी रियलाइज की हाँ यार यू नो आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर, और हम सबको एक एहसास होता है. बट समहाउ विकी एंड अंकिता, विकी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, बहुत ईगोइस्टिक आदमी है, वो खुद इस बात के बारे में मानते हैं और बोलते भी हैं. एंड आई थिंक समवेयर ना उनकी यार मुझे ऑनेस्टली अभी रील और रियल में उन दोनों के बीच में समझ नहीं आ रहा है, यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर बाहर आके बाई द ग्रेस ऑफ गॉड आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चले, यू नो बहुत खूबसूरती से चले, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या थी, ये सब शब्द बोलने की ज़रूरत क्या थी, यू नो इतना क्या जाने की ज़रूरत है कि हम फिनाले तक जाएँ या जीत जाए. आई मीन इफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक यू विन, आई एम सॉरी आई डोंट थिंक एक ऑडियंस जो आज एक बहुत सेंसिबल ऑडियंस है हमारी, वो ऐसे रिश्ते देखना चाहती है ऑन स्क्रीन. और अगर ये स्ट्रैटेजी है देन इट्स रियली वेरी लो टू बी इन द गेम. अरे मुझसे कोई नहीं झगड़ता था, मैं बोल बोल के थक गई, मुझसे झगड़ो. फिर मैंने बोला भी तुम सबकी स्ट्रैटेजी मुझे घर से बाहर निकालने की. तो कभी ऐसा हुआ एक आध बार जब मैंने कहा यार मैं भी मुद्दा बनाऊंगी, तो अभिषेक की टी शर्ट पड़ी थी जो दो दिन से पड़ी थी और मुझे पता था, तो मैं गई क्या किसकी टी शर्ट है अभिषेक की, तेरी टी शर्ट है, और जाके उसके ऊपर फेंकी. और ऐसे वो देख रहा है मुझे और हंसने लगा, क्या कर रहे हो आप, बैठ जाओ कॉफ़ी पियो, क्या ये कर रहे हो, आपसे नहीं होगा. और मेरी भी हंसी छूट गई, मैंने कहा यार तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भी थोड़ा गुस्सा होना पड़ेगा. सो दीज गाइज नेवर यूज टू फाइट विथ मी. और क्या अब सीधी सी बात है, किसी को कुछ होता था, किसी को कोई बात करनी होती थी, तो बहुत प्यार से बैठ के एक समझदार इंसान की तरह, चाहे फिर वो ईशा ही क्यों ना, यू नो जैसे वो पोहे में टमाटर डलेगा कि नहीं डलेगा पे जो दो घंटे की लड़ाई हुई, तो बाद में ईशा आई और उसने बोला रिंकू जी आपको क्या लगता है मैंने गलत किया. मैंने कहा ऑनेस्टली बोलूँ, हाँ तूने गलत किया. मैंने कहा तुझे पता है पोहा कैसे बनता है, नहीं. मैंने कहा तू समझ तो ले कैसे बनता है, फिर तुझको अपने आप लगेगा. तो जैसे ही मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे बनता है, अच्छा फिर तो क्या प्रॉब्लम थी, मैं तू ही प्रॉब्लम खड़ी करके. सो यू नो व्हाट आई मीन टू से, चाहे वो विक्की था, चाहे वो अंकिता थी, चाहे वो ईशा थी, द यंगेस्ट वन ऑफ द लॉट, मुनव्वर, अभिषेक, नील, ऐश्वर्या, जिग्ना जी, जितने भी नाम आप ले लो, नावेद, अरुण जी, अनुराग के साथ मेरा बॉन्ड बना टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जितने भी लोग थे सबके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड बना. क्योंकि बात वही है कि आप क्या बोलते हो डज नॉट मैटर, आप कैसे बात करते हो मैटर्स. अब मैं आके बोलूँ अबे विक्की, तो विक्की भी मुझसे ऐसे बात करेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ विक्की मुझे तुमसे बात करनी है जरा हम बैठ सकते हैं, तो विक्की भी उस टोन में बात करेगा. तो मैंने सबसे ऐसे बात की और सबने ऐसे मुझसे बात की, तो मेरा बॉन्ड सबके साथ था. तो किसी ने कभी मुझसे, एक्सेप्ट फॉर चिंटू जो एक पॉइंट पे आके काफ़ी उसने लाइन क्रॉस की, और मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो, मैंने कहा अपनी हद में रहो. और हाँ मैं एक पॉइंट पे आके ये भी बोला, मैंने कहा उल्टे हाथ का खींच लूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे बेटे की एज का है, थैंक गॉड मेरा बेटा एक यू नो रत्ती भर भी उस जैसा नहीं है. बट खुदा ना खासा अगर मेरे बेटे ने ऐसे बिहेव किया होता तो ही वुड हैव बीन रेस्ट अश्योर्ड कि मेरी माँ उल्टे हाथ का खींच के दे देगी. यार वो कहानी पुरानी हो गई है, आगे बढ़े एपिसोड्स आगे बढ़ गए, नया वीकेंड का बाहर निकल चुका है, अभिषेक बन गया. ये बोलो कि अभी अभिषेक और मुनव्वर की लड़ाई होगी, यू नो एंड आई होप कि इट्स गेम टाइम. 3 हफ्ते रह गए हैं, एवरीबडी नीड्स टू पुल अप देयर सॉक्स, गेम खेलना ज़रूरी है, रिश्ते हैं और रिश्ते आगे भी रहेंगे. मैं जीत तो ये देखना चाहती तो मुनव्वर / अभिषेक को हूँ, एंड दैट्स माय आंसर. किसको, अंकिता को अनसेफ लग रहा है, किससे, क्यों, अभिषेक से डर लग रहा है, नहीं वो डर दूर कर दिया सलमान सर ने. बिल्कुल, और मैं अभी बातें चल रही हैं, अभी मैं आई हूँ. ऑनेस्टली मेरा तो अब तक बिग बॉस का जेट लैग ही नहीं खत्म हुआ है,
ना वक्त का अंदाजा बनता है, रात को नींद नहीं आती, दिन में नींद आ रही है, अजीब सा माहौल हो गया। तो एक्चुअली इस टाइम, इस समय मैं घर जा रही थी और मुझे ऐसे गाड़ी चलाते समय नींद आ रही थी, मैंने कहा यार एक कॉफ़ी ग्रैब करती हूँ और फिर निकलती हूँ ताकि जग जाए, क्योंकि वहाँ पे जगने का एक ही था, ब्लैक कॉफ़ी। तो हम वही पीते रहते थे जगे रहने के लिए। सो बस अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेने जा रही थी एंड बहुत जल्द डेफिनेटली कुछ होगा, मैं आप सबको इन्वाइट करूँगी क्योंकि आपके ज़रिए मेरी ऑडियंस मुझे ढेर सारा प्यार देगी। सो आई विल नीड दैट इन द फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।